बेटे की विदाई से पहले दामाद संग दिखे पापा शत्रुघ्न, लाडली सोना के ससुराल वालों से मिलने पहुंची मम्मी पूनम। नाराजगी की खबरों के बीच दोनों परिवारों ने मिलकर मनाया हल्दी का जश्न, तो पेपराजी से खफा खफा दिखी होने वाली दुल्हन। तो यही है वो नजारा जिसे देखने का इंतजार सोनाक्षी और जहीर के चाहने वाले लंबे वक्त से कर रहे थे। आखिरकार अपने होने वाले दामाद संग हंसते मुस्कुराते जो दिखे हैं पापा शत्रुघ्न सिन्हा, जिसके बाद ये साफ हो गया है कि ना पापा नाराज हैं और ना मम्मी हैं खफा। सिन्हा परिवार को खुशी खुशी मंजूर है सोनाक्षी जहीर का रिश्ता। तभी तो देखिए ना, बेटी सोनाक्षी की विदाई से चंद घंटों पहले अपने होने वाले दामाद जहीर इकबाल से पापा शत्रुघ्न ने की मुलाकात। उससे भी खास बात तो ये है कि इस मौके पर एक साथ दिखे दूल्हा दुल्हन दोनों के परिवार। जी हाँ, जहाँ कुछ घंटों पहले तक सोनाक्षी की शादी से उनके मम्मी पापा की नाराजगी की खबरें सुर्खियां बटोर रही थी, वहीं अब इन खबरों पर खुद सोना के डैडी डियर ने फुल स्टॉप लगा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक 20 जून को सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की हल्दी की रस्म होनी थी। हर कोई इस फंक्शन पर निगाहें गड़ाए बैठा था कि क्या बेटी के इस फंक्शन में पापा शत्रु और मम्मी पूनम आएंगे या नहीं। और हुआ वही जिसकी उम्मीद की जा रही थी। पापा शत्रुघ्न ना सिर्फ बेटी की ससुराल पहुंचे बल्कि अपने होने वाले इकलौते दामाद के साथ हंसते मुस्कुराते खूब पोज भी दिए। इस दौरान दोनों का बॉन्ड देखने लायक रहा। बताया जा रहा है कि देर शाम शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा अपनी बेटी के ससुराल पहुंचे थे। बाद में शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम को बेटी के ससुराल से निकलते हुए हमने अपने कैमरे में कैप्चर किया। जहीर खुद अपने सास ससुर और अन्य मेहमानों को गाड़ी तक ड्रॉप करने बिल्डिंग के नीचे तक आए थे। ब्लैक और ग्रे कार्गो पैंट पहने दूल्हे राजा कैजुअल लुक में नजर आए। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा ने मेहरून कलर की शर्ट पैंट, मैचिंग चेक जैकेट और गले में मफलर डाला हुआ था। कैमरों के सामने ससुर और दामाद का बॉन्ड देखने लायक रहा। नाराजगी की खबरों पर विराम लगाते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने हंसते मुस्कुराते हुए अपने होने वाले दामाद के साथ खूब तस्वीरें खिंचवाईं। इतना ही नहीं, इस दौरान जहीर अपने ससुर का आशीर्वाद लेते भी दिखे। शत्रुघ्न सिन्हा को गाड़ी तक ड्रॉप करने आए जहीर ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया और ससुर जी को वहां से रवाना किया। अब ससुर और दामाद की ये बॉन्डिंग जहां सुपरहिट दिखी, वहीं कैमरों की निगाहों में होने वाली दुल्हनिया सोनाक्षी की नाराजगी भी कैद हुई। दोनों परिवारों की इस मुलाकात का हिस्सा बनी सोनाक्षी भी अपने ससुराल पहुंची थी। हालांकि उन्होंने कैमरों के सामने पोज देने से टोटल परहेज किया। व्हाइट कलर का सादा कुर्ता और प्लाजो पहने सोनाक्षी ने पेपराजी को कोई पोज नहीं दिया और पीठ दिखाकर वहां से चलती बनी। E24 ने सोनाक्षी के सास ससुर और ननद नंदोई को भी अपने कैमरे में कैप्चर किया। हालांकि इस दौरान सोनाक्षी के दोनों भाई लव और कुश वहां नजर नहीं आए। बहरहाल अब से सिर्फ 2 दिन बाद सोनाक्षी सिन्हा जहीर इकबाल के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हैं और हर कोई सोनाक्षी को दुल्हन के जोड़े में सजे धजे देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट E24।